जो हालत फलस्तीन पर है हम नहीं समझ सकते, लेकिन जिस दिन मेरा कोई अपना मेरी आंखों के सामने मरा ना, उस दिन समझ आएगा कि फलस्तीन के लोग किस दर्द से गुजर रहे हैं। जिस दिन राह चलती मेरी बहन के सर से विदाउट एनी रीजन दुपट्टा उतारा जाएगा ना, उस दिन समझ आएगी कि गैरत किसे कहते हैं। आज तो मैं दो लोगों के सामने बुजदिल हूं ना, उस दिन मैं पूरी दुनिया से टक्कर लेने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा। उस दिन वो दर्द समझ आएगा जो दर्द फलस्तीन पिछले कई सालों से रोजाना महसूस करते अपने सीनों में। हम अयाशियों में मसरूफ हैं, अभी भी कुछ लोग चंद टकों के लिए मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठकर लोगों को एंटरटेन करने में लगे हुए हैं, मुजरे कर रहे हैं। ऐसी कौम फलस्तीन के साथ मिलकर जिहाद करेगी? मैदानों में उतरने के लिए जिगरे चाहिए होते हैं, मैदानों में उतरने के लिए गैरत चाहिए होती है, मैदानों में उतरने के लिए जज्बे चाहिए होते हैं। वो जज्बे, वो गैरत जिनके डेली बेसिस पे हम जनाजे निकालते हैं। ईमानी कुव्वत चाहिए होती है, वो ईमानी कुव्वत जो गुनाहों की वजह से हम जाया करते चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। लोगों की जिंदगियों का दायरा तंग हो गया, लोगों के घर उजड़ गए। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो अपनी धुन में जी रहे हैं, जिनको दूसरों का एहसास तक नहीं है।